नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एन ऑफिशियल मैं हूँ धर्मेंद्र सिंह कहते हैं कि मानवीकीय विषय की जब आप बात करें तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपको अच्छा नॉलेज प्राप्त होता है लेकिन अगर रोचकता की बात करें तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट है उसको कहते हैं इकनॉमिक्स पूरा कंट्री इसी पर बेस्ड है किस इस तरीके से उसके आयाम होते हैं कैसे वो परिचालित होते हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं है होती हैं इन सारी चीज़ों को बारीकी से समझने की आवश्यकता होती है तो चलिए यही एक टॉपिक आज हम लेकर आए हैं जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट मनी ओवियसली जैसे कि हम जानते हैं कैसे उसको क्रेडिट करते हैं कैसे आ, उसकी कुछ कंडीशन होती हैं वो भी आज हम समझेंगे कक्षा दस के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन इससे संबंधित तो अगर आपके तब भी प्रश्न रह जाते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर देखें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर डबल एट डबल जीरो फोर फोर जीरो फाइव फाइव नाइन इसके अलावा अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं ऑफिशियल मेल आई डी डी टी एस डॉट क्लास टेन एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट इन टू वॉच दिस प्रोग्राम लाइव यू मे ट्यूनिंग पी एम ई विद्या चैनल नंबर टेन एंड ऑल्सो uh, this live is broadcasting on NCERT official YouTube channel as well. स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मिस सिमरत भुलर जी जो कि पी जी टी से हैं बसंत वाली स्कूल से उनका वास्ता बहुत बहुत स्वागत है सिमरत जी आपका थैंक यू मनी एंड क्रेडिट पहले तो यहा है कि बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है ये खतरनाक इस सेंस में कि बोलते हैं कि बहुत कठिन है इकनॉमिक्स तो समझना तो थोड़ा सा पहले ये मिथ दूर कर देते हैं फिर हम मनी और क्रेडिट की बात करें नहीं इकोनॉमिक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है एक बहुत कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट है हम हर रोज़ ज़िंदगी में इसके साथ डील करते हैं इकोनॉमिक्स के साथ डील करते हैं और आ, इसको अगर समझा जाए मनी के बारे में क्योंकि पैसे की जरूरत हर हर किसी को है हम जो भाग दौड़ कर, कर रहे हैं सब पैसे के लिए ही कर रहे हैं तो इसलिए बच्चे अगर क्लास टेन में इसकी एक इंट्रोडक्शन होती है कि मनी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए और क्रेडिट की क्या फैसिलिटीज़ हैं तो उसको ले हम इसके बारे में बात करते हैं बिल्कुल चलिए तो फिर शुरुआत में ही ये मिथ दूर हो गया है कि ये खतरनाक जैसा कुछ भी नहीं है कठिन बिल्कुल भी नहीं है बहुत रोचक है वैसे कि आवश्यक सबको होती है चलिए आप समझने की कोशिश करते हैं मनी और क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से क्लास टन के माध्यमजर हम समझेंगे जी सो गुड आफ्टरनून आज हम uh, बात करेंगे मनी एंड क्रेडिट के बारे में सो so जैसे आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स इज़ वन फोर्थ ऑफ सोशल साइंसज दैट यू स्टडी सो हिस्ट्री है जोग्राफ़ी है इकोनॉमिक्स है और पोलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स में ये जो थर्ड चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट तो इसके बारे में हम आज बात करनी uh, शुरू करेंगे सो so पहले हम मनी uh, mm -hmm. के जो वॉट आर द यूज़ ऑफ मनी मनी को हम क्यों यूज करते हैं सो सबसे पहले मनी इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जब भी हम बाज़ार में कुछ भी लेने के लिए जाते हैं चाहे आपने जो भी अपने घर में जो चीज़ें हैं चाहे वो खाने की चीज़ें हैं या गाड़ी है और इवन इफ इट इज़ योर हाउस और वट एवर इट इज़ यू मनी हेल्प्स यू बाय दोज वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज सो मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज द सेकेंड फंक्शन ऑफ मनी इज मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू So you can store value. It is available in very easy denominations. You have coins, you have uh, currency notes, you know, so you can store money very, very easily. And the third very important function of money is standard of deferred payment. Now standard of deferred payment? Kaya, I know I'm talking a little beyond what is given in your textbook right now. But it is very important that you understand that what is money and why do we need money. सो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड देन मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब है कि हम जो मनी को हम यूज करते हैं उसको हम बोरोइंग एंड लेंडिंग फैसिलिटीज है क्रेडिट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यू कैन बोरो मनी टुडे यू कैन टेक मनी फ्रॉम समवेयर टूडे एंड देन यू कैन यूज इट टू मेक पेमेंट्स इन फ्यूचर सो दैट इज द यूज ऑफ मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ट पेमेंट सो पहले क्या था वॉज मनी ऑलवेज देर नो वी डोंट हैव मनी पहले इकोनॉमी बहुत सिंपल होती थी आज से अगर हम तीन सौ साल चार सौ साल पाँच सौ साल पुरानी बात करें तो वी वार ऑल यूजिंग द बाटर सिस्टम जो हमारी ट्रेड थी इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन बाटर सिस्टम अगर आप देखिए अगर आप हिस्टोरिकली भी देखते हैं सो वैन यू नो यू वर गोइंग थ्रू जो सिल्क रूट है जो ट्रेडर्स आते थे जहाँ जहाँ से भी आते थे चाइना से आते थे पर्शिया से आते थे तो इट वॉज़ बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाटर सिस्टम था चाइना से सिल्क आती थी इंडिया में प्रेसर स्टोन्स होते थे इंडिया में स्पाइस होती थी आपस में गुड्स एक्सचेंज हो जाती थी तो वैसे ही जो हमारी रूटीन मार्केट्स थी वो भी बाटर सिस्टम के बेसिस पे फंक्शन करती थी सो यू वेंट आउट इन द मार्केट विद अ पर्टिकुलर गुड इट कुड बी अ पीस ऑफ क्लॉथ आपके पास पाँच मीटर कपड़ा है यू वेंट आउट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ यू वेंट अराउंड लुकिंग फॉर सम वन एंड यू वॉन्टेड टू बाय वीट सो लेट्स ए यू वॉन्टेड टू बाय फाइव के जीज ऑफ वीट एंड यू हैड फाइव के जीज ऑफ फाइव मीटर्स ऑफ क्लॉथ योर सेल्फ सो यू फाउंड सम वन यू एक्सचेंज इट विद ईच अदर now, what were the challenges? as long as economy was very simple, it was a very simple economy. there were only few goods available in the market. there were only few services available in the market. barter system was continuing. it was very, it, it was, you know, the economy was functioning very well on it. but as economies got more and more complex, barter system had certain challenges and the biggest challenge was what we call double coincidence of wants it is given in your book also it's a very very important concept that you need to understand when you understand money that for barter system to function well you need a double coincidence of wants what does that mean it means that the borrower and the lender need to have exactly the same things that each other want mm -hmm. so if i have if i go back to the previous example of a piece of cloth सो इफ़ आई हैव फाइव मीटर्स ऑफ क्लॉथ एंड आई हैव टू लुक फॉर सम वन फर्स्ट आई हैव टू लुक फॉर सम वन हु इज़ विलिंग टू गिव मी फाइव के जीज ऑफ वीट एंड देट पर्सन हु इज गिविंग मी फाइव के जीज ऑफ वीट उसको भी पाँच मीटर कपड़ा चाहिए हो सकता है उसको पाँच मीटर कपड़ा नहीं चाहिए हो सकता उसको दो मीटर कपड़ा चाहिए हो सकता है उसको कपड़ा चाहिए ही नहीं उसको कुछ और चाहिए सो दैट वॉज अ बिग चैलेंज इन द बाटर सिस्टम एंड दैट इज़ वाई मनी इवॉल्व So, as economies became more complex, money evolved, and money started performing its first basic function, which is your medium of exchange. So, what are the modern forms of money now that we look at? Right? So, we live these days, modern forms of money are apsara time, and through So you have currency, you have currency notes and you have coins. So you have currency notes and paper coins.

as legal because it is legal tender legal tender means it is authorized by the government of the country to be used as a medium of exchange right so that is what you call as why is it known as legal tender the next thing is what else do we have so you have paper currency and you have coins as your modern forms of money then we have something called demand deposits a demand deposits can author sub you don't keep Coins and uh, currency all the time. So there are many other ways of making payments now. So there are many other ways. So demand deposits are something which is an instrument created by the banks. So what happens when I get a salary, your parents get a salary, or you earn any money? What do you do? You go and put that money in the bank. When you go and deposit your money in the bank, bank kya karta hai, bank opens an account in your name, in the name of the depositor. So they open an account and that account is known as a demand deposit because whenever i want i can go back to the bank and take that money out on demand the bank cannot refuse so if i let's say i have 10000 rupees in my bank account i can go to the bank right now and i can ask for that money and i can make that payment dharmender ji is here with me if i owe him money agar unko mereko abhi 1000 i dena hai to i have different ways of you know Mm -hmm. uh, making right. that transaction i can give him a currency note of whatever denomination which is equal to 1000 rupees i can also issue a check to him on my bank account on my demand deposit and he can go the very next minute he can go to the bank and he can you know show that check to them and they will give him 1000 rupees so that is why demand deposits are known as you know they are also recognized as modern forms of money चेक इज वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूजिंग योर डिमांड डिपॉजिट एज द इकोनॉमी especially स्पेशली अराउंड आस इफ यू सी ऑल द टाइम वी हैव वेरियस वेज ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन एक छोटा सा प्रश्न मेरा यहाँ पर था आपने काफी सारी बातें यहाँ पर बताई चेक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं आपने जो उदाहरण दिया कि मसलन आपको हजार रुपए की आवश्यकता है तो आई कैन पे इन द फॉर्म ऑफ चेक

पैसे विद्रॉ कराने के लिए विद्रॉल स्लिप भरनी पड़ती थी चेक देना पड़ता था नाउ यू कैन गो टू दी एटीएम उन्होंने वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिमिट डाली हुई है जहां पे आपके अकाउंट के हिसाब से और आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम क्रेडिट की बात करते हैं उसके बेसिस पे आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उस बेसिस पे वो एक लिमिट डाल देते हैं बट जो हायर वैल्यू ट्रांजेक्शन है उनको जो ऑनलाइन ट्रांसफर्स भी हैं जो ऑनलाइन ट्रांसफर्स आप कर सकते हैं आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं जो बड़ी वैल्यू की ट्रांजैक्शंस uh, हैं सो so, ये जो सब आपकी पेमेंट्स हैं यहाँ पे जब हम बात करते हैं ये सब आपके डिमांड डिपॉजिट के साथ लिंक्ड होती हैं डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं जो आपके सेविंग अकाउंट डिपॉजिट होता है और जो आपका करंट अकाउंट डिपॉजिट होता है जो आपके फिक्सड डिपॉजिट्स हैं hmm. उन पे आप उनको डिमांड डिपॉजिट्स नहीं कहते हैं दोज आर नॉट योर डिमांड डिपॉजिट्स बिकॉज यू कैन नॉट विदड्रॉ मनी फ्रॉम देयर ऑन डिमांड You can withdraw money only from your saving account or your current account on demand and the check, the online transactions via net banking, your uh, UPI transfers through various interfaces like Paytm, PhonePay, Google Pay, ho gaya. all that is a part of your modern forms of money through demand deposits. So this is the, I hope I have answered your question. आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आपको लाइन लगाना बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता फटाक से यहाँ से आपने डाला उधर जाके आप विड्रॉल कर सकते हैं yeah. बहुत क्विकली अब यू आर सेविंग योर टाइम एक्चुअली केवल टाइम के, के परिप्रेक्ष्य में इसकी महत्वता को हम नहीं समझ सकते और भी महत्वपूर्ण आस्पेक्ट है किसी समय और भी चर्चा करेंगे फिलहाल आगे बढ़ते हैं yeah.

इट इज़ कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विच मीन्स विच इज कॉल्ड्स रुपयम और उसका जो लिटरल मीनिंग है उसका मतलब है सिल्वर कॉइन सो दिस वॉज इंट्रोड्यूस बाई शेर शाह सूरी और उन्होंने सबसे पहले रुपया इंट्रोड्यूस किया था तो जो सिल्वर का कॉइन था उसका वेट था हंड्रेड एंड सेवेंटी एट ग्राम्स फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए ब्रिटिशर्स ने अपनी तरीके से अपनी करेंसी यू uh, नो you know, इशू की उन्होंने कॉइन्स कोईंस, प्रेसियस कॉइन से हम रेगुलर कॉइंस पे चले गए हैं वो रेगुलर कॉइन्स भी उनकी एस सच तो कोई वैल्यू नहीं है जो आज पाँच रुपये का कॉइन है एक रुपये का कॉइन है दस रुपये का कॉइन है उसकी सच तो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो दे आर नॉट मेड ऑफ प्रेशस मेटल एनी लॉन्गर बट अगेन बिकॉज कमिंग बैक टू द थिंग ऑफ लीगल टेंडर क्योंकि वो लीगल टेंडर हैं सो दे हैव सम काइंड ऑफ वैल्यू सो द फर्स्ट पेपर करेंसी वॉज इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट वॉज अ फाइव रुपी नोट और वहाँ पर किंग जॉर्ज सिक्स का पोर्ट्रेट था उसके ऊपर और इंडिपेंडेंट इंडिया में द वन रुपी नोट वॉज द फर्स्ट नोट दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड उस टाइम पर अभी तो हम देखते हैं कि हम गांधी जी की फोटोग्राफ है नोट पे उस टाइम पर हमने लाइन कैपिटल सारनाथ उसको रिप्लेस किया था किंग जॉर्ज की फोटो के uh, को तो 1969 में जब महात्मा uh, गांधी का वी वर सेलिब्रेटिंग द बर्थ सेंटेनरी 100 इयर्स तो तब गांधी सीरीज ऑफ नोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि जो हमारी कॉइन्स हैं तो जो हमारे पहले कॉइन्स होते थे उनकी बड़ी डिस्टिंक्ट शेप्स थी एंड वाई वॉज दैट डन सो दैट वॉज दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट वॉज एक्चुअली डन टू हेल्प द ब्लाइंड तो अगर आप देखें यहाँ पे स्क्रीन पे यू द टू रुपी कॉइन उसकी एक अलग शेप थी जो फाइव रुपी का फाइव सॉरी टू पैसा कॉइन ये दो पैसा था पांच पैसा था जो पांच पैसे का कॉइन है वो स्क्वायर था जो दो पैसे का कॉइन था उसके ऊपर स्कैलप्स बने हुए थे सो दिस वाज डन टू एट द ब्लाइंड तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने एक लिंक डाला हुआ है नीचे आप उस पर जाके देखिए आरबीआई की साइट है उसमें एक दज अ पेज कॉल्ड करेंसी म्यूज़ियम तो उसमें जो हमारी करेंसी है उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारा नोट है उसके ऊपर सिक्योरिटी फ़ीचर तो ऑफकोर्स हैं लेकिन जो बाकी इमेजेस आती हैं तो वो जो अब जैसे मंगलयान की इमेज है पहले आर्यभट्टा की इमेज थी तो वो सब कैसे आते हैं सो so, नेक्स्ट uh, जो हमने मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में हमने बात की कि जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं और जो uh, वो उनको हम यूज़ करते हैं थ्रू चेक्स थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर्स थ्रू इंटरफेस एक्सेट्रा uh, अब अगर आपको बैंक में आपको ये भी हमने अभी आपके साथ मैंने डिस्कस किया जी। कि अगर आपको पे करना है तो आपको कैसे पे करना है आप, आप, आप उसको फाइव हंड्रेड रुपीज़ अगर आपको देना चाहती हूँ तो मैं आपको कैश दे सकती हूँ और मैं आपको यू नो आई कैन पे थ्रू चेक्स और ऑनलाइन ट्रांसफर्स एक्सेट्रा तो अब जो हम हमारी कंट्री में एक्चुअली द चैलेंजेस के बहुत अभी अनबैंड पॉपुलेशन है तो right. so, उसके लिए गवर्नमेंट टाइम से टाइम अपना शुरू करती हैं वेरियस दे स्टार्ट वेरियस स्कीम्स तो अभी 2014 में जनधन योजना शुरू हुई थी तो mm -hmm. so, जो प्रधानमंत्री जन योजना है उसका द प्राइमरी टारगेट पॉपुलेशन वॉज द पुअर पीपल बिकॉज उसमें आपको जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट रख सकते हैं hmm. अगर आपको कहीं और आप किसी और प्राइवेट बैंक में या कहीं भी अगर आप जनधन योजना नहीं पर रेगुलर बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आपको एक एक सर्टन लिमिट होती है हर, अला, हर एक बैंक की अलग अलग पॉलिसीज uh, होती हैं जो आपको मिनिमम बैलेंस अपना रखना पड़ता है अपने सेविंग अकाउंट में बट इन केस ऑफ जनधन योजना इट्स अ जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट एंड दिस वॉज प्राइमरली डन टू ब्रिंग मोर एंड मोर पीपल Under the purview of the banking system in India, so that more and more people can use the formal system, the formal system of banking in uh, India. So now, coming to now, we have discussed what money is, but why do we borrow money, hmm. right? All of us have different needs. We have, and especially in today's day and age, we see a lot of you know, if you look around, jaga jaga hota hai, loans le lijiye, you know, uh, banks ki advertisements hote hain. You see zero MI, EMI. ई एम आई क्या होती है लोन क्या होता है आप किस पर्पज़ के लिए लोन लेते हैं सो वाई डू वी बोरो मनी वाई डू वी नीड टू बोरो मनी सो वी बोरो मनी फॉर वेरियस पर्पजेज वी बोरो मनी टू एक्सपैंड बिजनेस एंटरप्राइजेस, यू बोरो मनी फार्मर्स बोरो मनी टू बाई एग्रीकल्चरल इनपुट्स यू मे बोरो मनी फॉर एजुकेशनल लोन्स आपको पर्सनल कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है यू नीड मनी फॉर दैट यू विल गो एंड बोरो यू कैन बोरो मनी फॉर दैट यू वॉन्ट टू बाई अ वहीकल यू वॉन्ट टू बाई अ कार सो फॉर वेरियस पर्पसिज वन गोज एंड वन बोरोज मनी फ्रॉम यू नो यू हैव वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच यू कैन बोरो मनी सो देर आर टू काइंड ऑफ सोर्सेज इन आर कंट्री यू ब्रॉडली डिवाइड दैम इं टू फॉर्मल सोर्सेज सो फॉर्मल सोर्सेज आर योर बैंक्स एंड योर कोऑपरेटिव्स

from where if in case you need to take a loan in case you need to take uh, uh, credit so what is credit if you define credit what is credit so credit it is basically an understanding or an agreement between the borrower and the lender where one person is borrowing money or an asset from another with the promise that in future he will return it mm -hmm. Right? So that's a, that is what you call broadly call a credit arrangement. A credit arrangement mein, there is one borrower, there is one lender. They have mutually agreed to exchange an asset. So the borrower borrows money from the lender, and there is a promise. There is an agreement between the two of them saying that in future I will return your money. So there are different terms of credit. The first term of credit is interest rate. Interest rate, care. Interest rate is the rate at which you know. The, it's the rate at which you borrow money, it is decided. So there's a principal amount. On the principal amount, there's an interest. It could be five percent, it could be 10 percent. It ranges, like presently in India, it, the, on home loans, the rate of interest is from seven percent to 10 percent. So again, in a formal sector, the rate of interest is fixed, but in an informal sector, you can negotiate about the rate of interest. The second term, the second term of credit is a collateral. Now what is a collateral? A collateral is a guarantee. It's a guarantee that it's an asset that the borrower owns. So if I'm borrowing money from someone, it's an asset that I own. It could be jewelry, it could be uh, you know in villages, it could be your livestock, mm -hmm. it could be your house, it could be your vehicle. It's a collateral. It's an asset which I own, which I pledge with the lender with a guarantee. That it's a guarantee that the lender has that in case I do not repay my loan in future, then that collateral becomes the property of the lender. So, that is what a collateral is. So, the third term of credit is documentation. So, when you're borrowing money, when you're taking a loan, so there is documentation that is uh, required documentation when you go to the bank it's your age proof your identity proof your residence proof so all that documentation is also very very important when you uh, under terms of uh, credit and the last is your mode of repayment last chairman kas can i just finish 100%. terms of credit i just finish this. Yeah. so uh, mode of repayment may it is like what do, what are you going to you know uh, how will you repay the loan सो वेन यू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक वेदर इट्स पोस्ट डेटेड चेक पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है आपने जो आज पैसा बोरो किया आपने एक पोस्ट डेटेड चेक दे दिया दो आज हम 2021 में है आपने जनवरी 2022 मार्च 2022 जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है उसके हिसाब से आपने दे दिया अनदर थिंग इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जहां पे आपका बैंक अकाउंट डायरेक्टली आपका जो बैंक अकाउंट है वो बैंक के साथ डायरेक्टली लिंक होता है वो हर महीने या हर तीन महीने या छः महीने जब भी होता है उसको वो वहाँ से डिडक्ट करते रहते हैं सो दीज आर योर टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच कम्स अप अगेन एंड अगेन जो आप बहुत एडवर्टाइजमेंट्स में देखते होंगे विच इज कॉल्ड ई एम आई जीरो ई एम आई लोन तो ई एम आई क्या होता है ई एम आई इज कॉल्ड इट्स एन इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जब आप लोन लेते हैं उसको आपका लोन का टेन्योर ओवर पाँच साल है सो इट इज डिवाइडेड ओवर दोज फाइव ईयर्स

ई की आपने बात करी आजकल तो बड़ा इजी लोन सुलभ है जिस तरीके की आपने हमें जानकारी दी यहाँ पर ऐसा कि हम सब जानते भी हैं अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है व्हीकल लेना है कोई भी तो उद्देश्य हो या रीज़न हो तो जो, जो जीरो इंटरेस्ट की बात करते हैं कि आप इस पर आकर कितनी भी बड़ी मात्रा लोन की आप ले लीजिए तो वो ज़ीरो इंटरेस्ट क्या है क्या बाद में जाकर जो ई हम दे रहे हैं उसकी उसमें कुछ बढ़ोतरी होती है या कम होती है थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्लियर करें हमारे दर्शकों के लिए जो हम जो जीरो इंटरेस्ट बैंक लोन्स कहते हैं जीरो इंटरेस्ट ई गिमिक बाय द हैं तो उसमें आपका जब आप जाते हैं एक जो आपका इंटरेस्ट होता है दैट इज ऑलवेज डिवाइडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो <clears throat> दो तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है एक फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट होता है तो जो फिक्स्ड वाला है उसमें तो आपका जो आपने जब आपने लोन लिया उस टाइम पर 10 परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट था उस हिसाब से आपकी ईएमआई बन गई और उन्होंने आपको डिवाइड कर दिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फ्लेक्सिबल वाला है उसमें यू कैन टेक अ चांस यू कैन टेक अ रिस्क आपको लग रहा है हो सकता है एक साल बाद दो साल बाद गवर्नमेंट विल रिड्यूस द रेट वो अगर हम नेक्स्ट लेसन करेंगे तो उसमें हम आप इसके बारे में चर्चा करेंगे इसके बारे में बात करेंगे दैट हाउ डू द बैंक्स

अच्छा इकोनॉमिक्स में हम कोई एक्टिविटीज करके भी उसको समझते हैं जैसे कि हम साइंस में एक्टिविटीज करते हैं अदर में किसी भी विषय को एक रोचकता प्रदान करने के लिए हाँ जी बिल्कुल सो वी डू अ लॉट ऑफ वर्कशीट्स एक्सेट्रा इसमें भी क्वेश्चन हैं uh, जो हमारी किताब है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन uh, है वेर दे है लोन वॉट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू आर कम्फर्टेबल विद इक् सेक्टर सो देर आर अलॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट वी कैन डू इन दिस एज वेल एब्सलूटली चलिए जब मनी की बात हो रही है तो बिना एक्टिविटीज़ के तो वो कंप्लीट हो ही नहीं सकती कोई खास पैगाम कोई मैसेज अपने स्टूडेंट्स के लिए आप देना चाहें तो नहीं सो द मैसेज अगैन इज द सेम दैट प्लीज फॉर दो सोशल साइंस एग्जाम इज ऑलरेडी ओवर बट दिस पर्टिक्युलर कॉन्सेप्ट वी अर गन्ट टू बी डूइंग इन द सेकंड टर्म Money and credit. So that's the reason why I feel this chapter is really, really important. So, my uh, request to you is that again, the NCRT book is the core. Please read this very, very carefully and do read the examples and all. They're very interesting examples and do all the in text questions. In case you have any doubt, in case you have any query, please do. राइट टू दर्मेंद्र जी और एनी वन ऑन दैट ई मेल आई डी एन आई वी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट आंसर्स थैंक यू गुरु जी ने कहा है तो डेफिनेटली आपको ये करना है और ज़रूर आप करें क्योंकि क्वेरी आपकी नहीं आएगी तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि कोई समस्या से आप जुज रहे हैं उसका निदान आपको नहीं मिल पा रहा है तो फिर ये सेशन से हम इसीलिए कराते हैं ये ई मेल आई डी जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं क्लास टेन की जो है आप फिर से सुन लीजिए डी टी एस डॉट क्लास टेन एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट इन यहाँ पर आप अपने सुझाव जरूर भेजें कोई भी क्वेरी हो कोई भी समस्या हो तो उसका निदान हम यहाँ से जरूर एक्सपर्ट की हेल्प से आप तक उसका उत्तर जरूर पहुंचा पाए लेकिन बहुत प्रिया ये सेशन था मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा इसको और भी आगे बढ़ाया जाए लेकिन समय की बाध्यता है अगला सेशन जो है वो भी लाइनअप है लेकिन उससे पहले कि हम अगले सेशन की तरफ जाए सिमरत जी बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद आप स्टूडियो आए you. और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे कक्षा दस के विद्यार्थियों के लिए बताएं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू चलिए अगला सेशन बहुत दूर नहीं है साइंस क्लास नाइन टिश्यूज के बारे में बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद